खुशी बुटीक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी दबाइए, ऑल पे क्लिक कीजिए लेटेस्ट डिजाइन के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मैं शर्मिला फगेड़िया, आप देख रहे हैं खुशी बुटीक। आज मैं आपको बताऊंगी कि कढ़ाई वाली कुर्ती की लेंथ कम आती है तो इसको हम कैसे पूरी करें। देखिए, हमने ये कुर्ती रेडी कर ली है। इसकी लेंथ हम इस तरीके से बढ़ाएंगे। देखिए, बैक वाला भी हमने थोड़ा छोटा कटिंग किया है क्योंकि हमारी सलवार हैवी बन जाएगी, तो हमें इतनी सारी लेंथ बढ़ानी है इस कमीज की। तो देखिए, इसके लिए हमने साइड से जो पट्टी निकली थी इसके ऊपर हम अटैच करेंगे। ये 4 से 5 इंच चौड़ाई की पट्टी है, 1 सिलाई हम इसके ऊपर लगा लेंगे ताकि कपड़ा ये हमारा दब जाएगा, उखड़ा सा नहीं रहेगा। ये लेस ली है हमने, ये पतली सी लेस है, जैसे लांचे में नाड़ा डालते हैं या फिर कोई भी पाइपिंग की जगह यूज करते हैं, वही लेस ली है हमने। आप यहाँ पर पाइपिंग भी यूज कर सकते हैं। इस तरीके से इस लेस को हमें लगा लेना है और ये सीधी साइड की तरफ हम मोड़ देंगे। इस तरीके से इस लेस और इस कपड़े को हम मोड़ देंगे। ये कुर्ती हमारी, जैसे रेडीमेड कुर्तियाँ आती है या फिर कढ़ाई वाली कुर्तियाँ भी हैवी हैवी आती है, जो नीचे से खाली होती है इनकी पट्टियाँ, उसी तरीके की बन जाएगी। अगर आप इसमें लेस लगाना चाहें, इसको और हैवी बनाना चाहें, तो आप बना सकते हैं, लेकिन मैंने ये सिंपल बनाया है। इसी तरीके से हम बैक पार्ट भी बड़ा करेंगे। देखिए, ये बहुत छोटा है, इसके लिए हम थोड़ी चौड़ी वाली पट्टी लेंगे। ये 7 से 8 इंच चौड़ी पट्टी है, इसको भी हम इसी तरीके से अटैच करेंगे, उल्टी साइड रखेंगे। इसके ऊपर 1 सिलाई और लगा लेंगे हम। इसको हम नापेंगे कि हमें कितनी मोड़नी है। तो देखिए, इस तरीके से हमने इतना नाप के यहाँ पे मोड़ लेना है। ये हमें सीधी साइड मोड़ना है, उल्टी साइड लगाया और सीधी साइड मोड़ दिया। इसके ऊपर भी हम वही लेस यूज करेंगे। ये मेरा छोटा बेटा है, शरारत कर रहा है। उसी लेस को हम यहाँ पे भी यूज करेंगे। देखिए, हमने दोनों साइड ये लेस लगा ली है, इसके ऊपर 1 सिलाई और लगा ली है हमने। देखिए, हमारी कुर्ती रेडी हो गई है, अच्छी बन गई है, ये खराब नहीं लग रही है। हमें लेंथ इस तरीके से बढ़ानी चाहिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।